जाते हैं बाद में बहुत ज़्यादा। हाँ पहले बाइट कर दीजिए आज का धनतेरस के ऊपर। नारायण 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 स्टार्ट है, नारायण। चालू हो गया। हाँ रिकॉर्ड मार दो। श्री हाँ यमुना महारानी जी के पवित्र तट पर श्री रमण बिहारी के और सबको देव भगवान के अनुग्रह से हम लोग दीपोत्सव के दीप मालिका उत्सव के प्रारंभिक पर्व धनतेरस के दिन उन महापुरुषों को यमुना जी को श्री रमण बिहारी जी को भगवान धन्वंतरी जी को श्री यमराज जी को महाराजा बलि को वामन देव भगवान सबको प्रणाम कर। कथा प्रसिद्ध है इसलिए इसको बहुत व्याख्यायित नहीं करते हैं, लोग समझते हैं कि भगवान ने बलि को ठगा और इंद्र के ऊपर अनुग्रह किया, प्रतीक यही होता है। लेकिन यदि देखो तो बलि ने जो कुछ दिया या छीना गया, जो भी अक्षर प्रयोग करना चाहो करो, लेकिन उससे कहीं अधिक लाभ प्रसाद रूप उसको प्राप्त हुआ भौतिक रूप से भी तथा आध्यात्मिक रूप से। बलि को जिस लोक का राज्य मिला वह स्वर्ग से भी कई अधिक गुना सुखद है। भगवान वैकुंठ में काहे को जाएंगे, लेकिन बलि के यहाँ तो पहरेदार बन के खड़े हुए हैं। अब पता नहीं लोग कहते हैं बलि को बांधा था कि खुद बंध गए बलि के हाथ, ये विचार करने की बात है। बलि को तो कुछ देर बांधा मैं छुड़वा दिया गया, और ये तो बंधे रहे तो लक्ष्मी जी ने जा करके युक्ति मुक्ति से इनको वहाँ से निकाला, तो भी बलि के हृदय में तो बंध ही गए। तो उस समय महाराजा बलि ने त्रिभुवनपति श्री त्रिवक्रम राय वामन भगवान से प्रार्थना की। जब भगवान ने कहा कि भैया पे वरदान मांग ले, तो देखो बलि का उपकार का भाव कितना प्रबल है। उन्होंने कहा महाराज, उनकी बहन ने भी उनको मांगा था कि दीपावली के 3 दिन पहले कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक जो प्रतिदिन दीप दान करे उसको यमराज कभी कष्ट न दे, और आप अनुमति दें हमारी बहन लक्ष्मी कभी उसका परित्याग न करे, माने उसको कभी उसकी कभी दुर्गति न हो और लक्ष्मी सदैव उसके घर में वास करे। लक्ष्मी कई प्रकार की हैं, उस सब प्रकार की लक्ष्मी का परिग्रह कर लेना चाहिए, केवल धन ही नहीं अन्य लक्ष्मी का भी। इसलिए आज धन त्रयोदशी है, आज यमराज के लिए घर के दरवाजे पे एक पात्र में धान्य माने अन्न रख के और उसके ऊपर दीपक प्रज्वलित करे और यमराज के प्रसन्नता के लिए कार्तिकस्यास्ते पक्षे त्रयोदश्याम निशा मुखे यम दीपम बहिर्दद्यात् अब मृत्युर्विनश्यति। ये यमराज ने एक दिन अपने दूतों से पूछा, तुम लोगों को हमारी आज्ञा से सबके प्राण लेके आने पड़ते हैं,
तुम्हारा अभ्यास हो गया है, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम भी विचलित हुए हो? तो यमदूतों ने कहा, प्रभु हम लोग तो हृदय पत्थर हो चुके हैं, लेकिन तो भी एक बार एक राजकुमार बहुत पवित्र आचरण वाला, माता पिता का सेवा करने वाला, जितना सुंदर अंदर से उतना ही सुंदर बाहर से, और उसको इसी प्रकार की सुशीला धर्म पत्नी प्राप्त हुई। बड़े प्रसन्नता से विवाह करके आए थे, तभी उनके आगमन के महोत्सव चल ही रहे थे। आपकी आज्ञा से चौथे दिन हमको उनके प्राण लेने जाना पड़ा। तो अब वहाँ उत्सव हो रहे थे, नाच गान हो रहे थे, मंगल मनाए जा रहे थे। ऐसे समय में ऐसे दिव्य वर को ले प्राण लेके आने में हमारा हृदय दहल गया। वो बिचारी नववधु अब विधवा हो जाएगी, उसकी पीड़ा का हम स्मरण कर रहे, माता पिता इधर की उधर, वो पीड़ा देख के हम दहल गए। प्रभु हमको बहुत पीड़ा हो, प्रभु आप कोई उपाय बताओ अप मृत्यु के नाश का। तो श्री यमराज जी ने भी कहा कि जो हमारा त्रयोदशी के दिन दीपदान से अभ्यर्थन करेगा तो उसकी अप मृत्यु लीजिए। कार्तिकस्य असिते पक्षे, कार्तिक कृष्ण पक्ष में त्रयोदश्याम निशा मुखे माने संध्या के समय यम दीपम वही दद्यात घर के द्वार पर, यम दीप दान करे तो अब मृत्यु विनश्यति, तो उसकी अब मृत्यु नष्ट हो जाती है। जब दीपक जलाए तो एक श्लोक है, वो श्लोक याद हो जिनको, वो श्लोक बोल के उच्चारण करें, मानसिक करें। मृत्युना पाश हस्ते न काले न भार्यया सह त्रयोदश्याम दीप दाना सूर्य प्रियतां इति। पाश हस्त काल मृत्यु अपनी पत्नी के सहित त्रयोदशी के दिन दीप दान करने से प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए आप भावी कल और परसों तीनों दिन यम के लिए भी विशेष दीप दान देना चाहिए। आज धन्वंतरी भगवान का भी जन्मोत्सव माना जाता है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें श्री धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे अमृत परश लेकर के, और सब प्रकार के रोगों की औषधि लेके पधारे थे, रोग का नाश और सुस्वास्थ्य की अभिव्यक्ति के लिए धन्वंतरी जी नाना प्रकार की औषधियाँ प्रदान की। इसीलिए सब लोग धन्वंतरी का पूजन आज करते हैं भगवान के ही अवतार में, और खास तौर से वैद्य लोग इस दिन विशेष पूजा करते। आज धन्वंतरी का विग्रह ला के पूजन करके कर्म का विसर्जन भी करेंगे, तो धन्वंतरी का भी ये सुस्वास्थ्य के हेतु हैं। ये आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, क्योंकि इन तिथियों में जब ये आयन बदलते हैं तो उस समय ये एलर्जिकल और ये वायरल ये सब के सब इन्फेक्शन बहुत होते हैं, और उस समय ये अप मृत्यु न हो। आजकल तो क्या डेंगू चल रहा है और उसे तमाशे चल रहे हैं। इन सब की रक्षा के लिए भगवान धन्वंतरी अनुग्रह करें, भगवान यमराज अनुग्रह करें, इसकी दृष्टि से आज के दिन विशेष पूजन होता है। दीपदान करने से मच्छर भी नष्ट होते हैं, अन्य रोग भी वो सब नष्ट होते हैं, ये इसका वैज्ञानिक महत्व है। कल चतुर्दशी है और उसके जो प्रातःकालीन कृत्य हैं इसलिए अभी बताए दिए जा रहे हैं, जिसमें कि प्रातःकाल उन कृत्यों को करने में हम सक्षम हो सके। वैसे तो सूर्योदय के पूर्व स्नान कर ही लेना चाहिए, लेकिन
कार्तिक मास में तो विशेष करके कर लेना चाहिए, और चतुर्दशी के दिन तो स्नान का अभ्यंग का विशेष विधान है। कार्तिक मास में शरीर में तैल मार्जन यद्यपि निषिद्ध है, लेकिन सामान्य विधि को विशेष विधि बांध लेती है। इस दृष्टि से आज के दिन माने चतुर्दशी के दिन शरीर में तैल मर्दन करके, इधर तो नहीं उधर में तो उबटन लगाया जाता था, उसको अभ्यंग कहते हैं, और उसके बाद स्नान किया जाता था। तो ये सूर्योदय के पहले पहले कर लेना चाहिए। ये स्नान करने के पूर्व अपामार्ग का अपने ऊपर चार बार मन घुमाना चाहिए। अपामार्ग भी स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत दिव्य है, आयुर्वेद में इसका बड़ा महत्व है। इसकी दतून करने से दांतों की बड़ी सुरक्षा होती है, मिल जाए तो अपामार को अपने सिर के ऊपर घुमाते समय बोलने वाला श्लोक भी सुना तो दूं ही कम से कम अपनी ओर से। शीतालोष्ठम समायुक्तम सकंटक दलान्वितम हर पापम अपामार्ग भ्राम्यमाण पुनः पुनः। मैं अपने सिर के ऊपर इसको बार बार घुमा रहा हूं, और इससे हमारे समस्त पातक नष्ट हों, पातक नष्ट होंगे, और जो शरीर के रोग हैं नाना प्रकार के वो भी नष्ट हो, ही पाप मूलक ही होते हैं। इसलिए पापम अपामार्ग हर, हे अपामार्ग हमारे पापों का हरण कर लो, मैं आपको अपने सिर के ऊपर बार बार घुमा रहा हूँ। इसके बाद स्नान करें और फिर यमराज के लिए तर्पण करें, तिल और जल के सहित स्नान करके उनके यमाय नमः, ये 14 नाम हम उच्चारण कर रहे हैं। ओम यमाय नमः, धनराजाय नमः, मृत्यवे नमः, अंतकाय नमः, वैवस्वताय नमः, कालाय नमः, सर्वभूतक्षयाय नमः, औदुम्बराय नमः, दह्नाय नमः, नीलाय नमः, परमेष्ठिने नमः, वृकोदराय नमः, चित्राय नमः, चित्रगुप्ताय नमः। इन नामों से उन्हें तिलोदक प्रदान करें तो इससे यमराज बहुत प्रसन्न होते हैं। अब ये मंत्र किसको किसको याद होंगे, प्रयास करें तो हो जाता है। आजकल तमाशे में सब कुछ मिल जाता है, मैंने सुना है, मेरे पास तो है नहीं वो तमाशा, तो उन्हें देख लेना मिल जाएंगे। और अगर न कुछ होए प्रयास करें सब कुछ मिल जाता है माय डियर, लेकिन आज न हो तो अपना गुरु मंत्र जप करके ही 3-3 बार तर्पण कर दे 14 बार, तो उससे भी सब मंत्र गुरु मंत्र के अंतर्भूत हो जाते हैं। धनतेरस के दिन भगवती को धातु के रूप में भी खरीद करके लाते हैं, चांदी का पात्र, सुवर्ण का पात्र, जिसके पास जैसी सामर्थ्य हो। हम लोग तो जब छोटे थे तो फूल एक होता था, उसको कशकुट और फूल में थोड़ा अंतर, फूल थोड़ा और अच्छी जाति का होता था, और भोजन इत्यादि के लिए उन्हीं के पास पर उनको लाते थे, पी पता ले आए। तो कुछ धातु को भी आज के दिन खरीदा जाता है। अभी हमको किसी ने बताया हम अंगूठी लेने जा रहे हैं, हमने कहा वाह वाह बहुत बढ़िया, हम आपको फोटो भेजें, वहाँ का फोटो कहाँ भेजो, वहाँ का तो है ही नहीं तमाशा। तो माने आज के दिन कोई ना कोई पात्र, कुछ नहीं तो लोग चमचे ही खरीद लेते हैं कुछ न कुछ करके। ये संस्कार दिए जाते कि घर में थोड़ा थोड़ा करके भी अगर संचय किया जाए
तो पर्याप्त हो जाएगा। तो भगवती पराम्बा महालक्ष्मी और विवेक के प्रदाता श्री गणपति, इनका पूजन है। ये विवेक पूर्वक प्रकाश प्रदान करने वाले परमात्मा हमारे जीवन पथ को आलोकित करें और हम सत्मार्ग में अपमार्ग से बच करके सद्मार्ग में आगे बढ़ते रहें। यही दीपावली पर्वों की जो हो रही, आधन चतुर्दशी, कल चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी, परसों दीपावली, फिर अन्नकूट और फिर यम द्वितीया, अब कुछ लोग ला पांचम, और गुजरात में और कुछ जगहों पर इसे नववर्ष मानते हैं। इन सबकी मंगल कामनाएं अर्पित करते हैं। अब तो रोजे ही बैठ के मंगल कामनाएं करनी ही है, तो इसलिए परमात्मा आप सबका जो यहाँ विद्यमान महापुरुष हैं उनको वंदन अभिनंदन करता हूँ। आचार्य जी सहित ऋषि कुमारों का वंदन अभिनंदन करता हूँ, तथा जो यहाँ बैठे हुए हमारे साथ, तथा जो हमारे सम्मुख विज्ञान के माध्यम से बैठे हैं, सबके लिए इन पर्वों की मंगल कामनाएं करते हैं। जय श्री कृष्ण।